आज जी बहुत ही मज़ेदार खशखाश का सालन तैयार किया है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही मज़ेदार जायकेदार है। खशखाश हर मौसम में बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए देखते हैं हमने कैसे बनाया है, क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते खुश खुरम होंगे। आज मैं बना रही हूँ खशखाश का सालन, जो कि मेरे पास एक फरमाइश भी है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, गर्मियों में उमूमन पकाया जाता है, ये ठंडा होता है, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी होती है खशखाश, बच्चों को फुलाती है और कोलेस्ट्रोल वाले इसको थोड़ा सा अवॉइड करें, कोलेस्ट्रोल इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। तो लेकिन ये बहुत ही अच्छी, बहुत फ़ायदेमंद है और जिनको नींद की शिकायत होती है, नींद ना आने की शिकायत होती है, वो इसको इस्तेमाल करें, इसको दूध में मिलाकर पिएं रात को या इसका तेल लगाएं तो बहुत ही जल्दी फ़ायदा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खशखाश जो थी वो मैंने तकरीबन 250 ग्राम खशखाश ले ली है मैंने और इसको मैंने रात को भिगो दिया था पानी में। और हम इसको कैसे धोएंगे मैं आपको बताती हूँ। ये खशखाश है और ये हमने दूसरा बर्तन ले लिया है। हम खशखाश को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी हिला हिला कर निथारेंगे ताकि खशखाश भी जाती रहे इसमें। और इस तरह करते हुए हम तकरीबन सारा पानी इसमें डाल देंगे और जब हमारा एक बाउल से पानी ख़त्म हो जाएगा तो हम दोबारा ऊपर से इसका पानी, दूसरे बाउल का पानी इसमें डालेंगे और नीचे से खशखाश रहने देंगे। इसी तरीके से हम दोबारा वो पानी ऐसे निथारते हुए हिलाते हुए लेकर आएंगे और उस बाउल में डाल देंगे। इसी तरीके से हम दोबारा वो पानी, थोड़ा सा पानी, सारा पानी नहीं डालेंगे अब, थोड़ा सा पानी हम उसी बाउल में डालेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे ताकि खशखाश नीचे बैठ जाए और दोबारा हिलाते हुए इस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा हम जो है खशखाश को निथार लेंगे। आप देख सकते हैं कि नीचे किस कदर मिट्टी है इसके, ये मिट्टी हमने निथार ली है। इसी तरीके से हम एक दो बार इसको कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको हिलाते हुए लेकर जाएंगे, आप देख सकते हैं। और जब हमारे पास पानी इसमें ख़त्म हो जाएगा तो हम इसमें से थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे इसमें दोबारा। अब ये वाला जो बाउल है इसमें हमारी छनी हुई जा रही है, निथारी हुई जो हमारी खशखाश है वो इसमें जा रही है और जो हमारी बगैर छनी है वो इस वाले बाउल में है। तो हम इसको इस तरीके से हिलाते हुए थोड़ा थोड़ा करके आराम से हम इसमें डालते हैं। पानी ख़त्म हो जाएगा तो हम थोड़ा सा पानी दोबारा शामिल करेंगे, ये निथारने का बेहतरीन तरीका है। सारा गंद जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाती है, वो नीचे ही रह जाएगी क्योंकि मिट्टी भारी होती है थोड़ी, रेत वगैरह जो कंकर होते हैं इसमें। तो इसको हम इसी तरीके से दोबारा कर लेंगे, देख सकते हैं आप। अभी मज़ीद जो मिट्टी थी वो हमने निकाल दी थी, ये बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी इसमें रहती है क्योंकि पिछले पानी में हमने मिट्टी, मैंने आपको दिखाई थी कि पिछले पानी में मिट्टी जो है वो निथार दी थी मैंने, सारी मिट्टी नीचे रह गई थी। ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से जितने पानियों में आप चाहें इसको धो सकते हैं जब तक कि मिट्टी ख़त्म ना हो जाए। देखें जी, मैंने इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है, ये फूल चुकी है। 250 ग्राम मैंने ली थी और मैंने पूरी रात इसे भिगोया है, ये अच्छे तरीके से फूल गई है। अब यहाँ पर एक कप दूध मैंने लिया है और मैं इसको ग्राइंडर में पीसूँगी अच्छे तरीके से, दूध डालकर बहुत ही अच्छा इसको पीसना है कि बिल्कुल मुलायम हो जाए, दूध निकल आए इसका। और आप इसको किसी भी तरीके से पीस सकते हैं, आप इसको सिल पर पीस सकते हैं, आप इसको कुंडी में पीस सकते हैं, आप इसको ग्राइंडर में पीस सकते हैं, लेकिन आपने इसको दूध डालकर पीसना है जिससे ये बहुत ही मज़े की, बहुत टेस्टी और बहुत ज़्यादा गज़ाइत वाली हो जाएगी।
तो चलिए इसको मैं ग्राइंडर में डालकर इसका पेस्ट बनाती हूँ दूध डालकर। ये एक कप मैंने दूध ले लिया है, थोड़ा थोड़ा शामिल करती जाऊँगी। देखिए जी, मैंने इसमें आधा कप दूध डालकर इसको चलाया है, तो ये थोड़ी सी ठीक हो गई है। इसमें मज़ीद डालेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करेंगे, तो हम इसमें मज़ीद ये काफ़ी देर इसको चलाना पड़ेगा, और जैसे जैसे ये पिसती जाएगी ये फूलती जाएगी। मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट चलाया है दूध डालकर, थोड़ा थोड़ा सा पानी भी शामिल किया है कि ये बहुत ठीक हो गया था, तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही मुलायम हो गया है। आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर, ये देखें, ये देखें, कोई दाना इसका नहीं रहा बाकी, बिल्कुल मुलायम हो गया है ये। और अब हमने इसके लिए जो मसाला तैयार करना है उसको हम देखते हैं। एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, दो दरमियाने साइज़ की टमाटर लेकर छिलका उतार कर उसको, और मैंने इसको ऐसे बारीक काट लिया है। लहसुन अदरक का एक चम्मच का पेस्ट है। मसालों में जो हमने लिया है, आधी चाय की चम्मच पिसा हुआ गर्म मसाला है, आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, आधी चाय की चम्मच धनिया पाउडर है, एक चाय का चम्मच नमक है, आधी चाय की चम्मच जीरा है, आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा कम जो है वो राई है, ये बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट देगी। एक चाय का चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, आधी चाय की चम्मच हल्दी है, थोड़े से मैंने कड़ी पत्ता लिया है, और यहाँ हमने घी रख दिया है गर्म होने के लिए। घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें जो सबसे पहले चीज़ शामिल करेंगे उसमें है राई, ज़ीरा और कड़ी पत्ता। ये हम सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे ताकि इसकी खुशबू जो है वो अच्छे तरीके से सब जगह आ जाए। अब इसके बाद हम इसमें प्याज शामिल, प्याज डाल दी है, और हमने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना प्याज को, प्याज को हमने मीडियम फ्लेम पर जो है वो हल्का सुनहरी कर लेना है, हमने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना जैसे आम मसालों में होता है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा चलाएंगे, थोड़ा सा चलाने के बाद हम इसमें टमाटर शामिल करते हैं, टमाटरों को थोड़ा सा गलाएंगे हम ऐसे चम्मच से, टमाटरों को मैश करते जाएं, टमाटर नरम हो जाएंगे तो फिर हम इसमें मसाला शामिल करेंगे। टमाटर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से नरम होना शुरू हो गए हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, शामिल करने के बाद हम इसमें मसाला जार शामिल कर देंगे, और अब हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से इसका तेल छूटने तक, यानी जो घी है इसका जो वो छूट जाएगा तब हमारी जो भुनाई है वो कंप्लीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं जी तकरीबन 7-8 मिनट में मसाला जो है वो भून चुका है, आप देखें इसका घी जो है वो अलग हो चुका है, तो देखें। अब हम इसमें खशखाश शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से निकाल लेती हूँ, मैंने इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह निकाल लिया है। अब ये देखें, अब हम इसको अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, इसकी भून लेंगे। इसमें जो पानी था, क्योंकि मैंने ग्राइंडर को जो है वो थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाल दिया था उसको खंगाल कर, ताकि जो उसके साथ लगी हुई है खशखाश वो भी ज़ाया ना हो, इसमें आ जाए। तो अभी हम इसको भुनाई करते जाएंगे तो ये पानी सूखता जाएगा, फिर मैं आपसे मिलती हूँ इसकी भुनाई कर। देखें जी, खशखाश को हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है, इसका सारा पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे इसकी ग्रेवी के लिए, और इसको 2 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे ताकि इसका पानी जो है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, कच्चा पानी ना रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ही मज़ेदार हमारा खशखाश का सालन तैयार हो चुका है। आप भी जल्दी से बना लीजिए, फिर मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी है।
अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसी तरह की अच्छी फ़ायदेमंद झटपट और आसान और बहुत ही ओरिजिनल डिशेज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके, और मुझे अपने कमेंट्स में राय का इजहार करते रहा करें। मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी राय का। अल्लाह हाफ़िज़।